9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आज आपके लिए होममेड मास्क आज सिखाने वाले हैं, जिसके लिए मटेरियल और साइज मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये जो होममेड मास्क है, ये आप यही मेथड से, ये जो डेकोरेशन मैंने बताया है, आप यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग किसी एनिमल के फेस के जैसे उसका डेकोरेशन करने वाले हैं, तो वहां पे आप अपने हिसाब से कोई चेंजेस कर सकते हैं। मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ इमेजेस आपके लिए डाल दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे ये जो क्लॉथ पीस है, 2 pieces ऑफ कॉटन क्लॉथ, तो ये आपको 10 centimeter रेडियस के 2 semicircle आपको लेने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कॉटन का ही क्लॉथ यूज करना है, कोई भी जो वेस्ट आपके पास होगा या ड्रेस के कट पीसेस हो सकते हैं, प्लेन हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है। और यहाँ पे मैंने जो बैग आता है, कैरी बैग, कलरफुल जो बैग आते हैं, मैंने वीडियो में आपको दिखाया है वो बैग, तो यहाँ पे इसका कॉर्नर मैंने ये लिया है, तो सेम यही रेडियस यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मिलने के बाद आपको इसको ये कट कर देना है, ठीक है। ये दोनों, मतलब ये 2 pieces और ये 1 piece। अब डेकोरेशन के लिए आपको कोई भी कलर के कॉटन, जो प्लेन कलर के आपके पास होंगे, यहाँ पे मैंने रेड कलर का यूज किया है माउथ के लिए, तो यहाँ पे 4 centimeters रेडियस का ये सर्कल है। उसके बाद ये सेमी सर्कल है 2 centimeter का, ब्लैक कलर का मैंने लिया है। यहाँ पे सैटिन का रिबन 4 pieces ईच 1 feet, तो यहाँ पे जो है ये इसकी जगह पे आप रेडीमेड नॉट भी मिलता है, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, ये मास्क आप जरूर ट्राई कीजिए, इसको आपको बना के इसके फोटो आपको आपके एरिया के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इसको आपको डोनेट करना है, प्लस आप इसको खुद भी यूज कर सकते हैं, करके अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी इसको बना सकते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी में। लेकिन एक मास्क तो कम से कम आपको आपके एरिया के कोई भी जरूरतमंद, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपके सोसाइटी के आसपास या सोसाइटी के अंदर जो कचरे वाले लोग आते हैं, या वॉचमैन आता है, या सब्जी वाला कोई आता है, तो उनको आप ये मास्क डोनेट करके उनके साथ आपको एक फोटो लेना है, जो अगर पॉसिबल होता है तो आपका आईडी होना चाहिए आपके गले में, या तो यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट, ये फोटो ट्विटर, इंस्टाग्राम या तो फेसबुक पे #makemask@streema पे डालना है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।